नमस्ते बेटा जी, हाउ आर यू? कंग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग प्रमोटेड टू क्लास सिक्स। आपको क्लास सिक्स में जाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप बड़ी कक्षा में चले गए, सेकेंडरी स्कूल में, और आपके दो नए सब्जेक्ट आपके साथ में जुड़ गए हैं। एक संस्कृत, वो है एक नई भाषा जिसके बारे में आपको मौसमी दीदी बताएंगी, मौसमी टीचर जी, और एक सोशल स्टडीज। जिस तरह से अभी तक आप ईवीएस पढ़ते थे, एनवायरमेंटल स्टडीज, उसमें क्या क्या होता था, आपके आसपास आपके एनवायरमेंट में क्या कुछ है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता था, इसी तरह से अब उसकी जगह क्लास सिक्स ऑनवर्ड्स आपका सोशल स्टडीज होगा। उसमें सोशल माने सामाजिक और स्टडीज माने उसके संबंधित पढ़ाई, उससे संबंधित शिक्षा, तो सामाजिक शिक्षा। इसमें तीन भाग होते हैं, एक तो इतिहास हिस्ट्री, और दूसरा ज्योग्राफी भूगोल, और तीसरा सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। अब हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी क्या है? हिस्ट्री माने हमारे पास्ट की स्टडी, हमारे अतीत का, हमारे भूतकाल का, ह्यूमंस कहाँ से आए, मानव कहाँ से आया, मानव अभी तक कैसे जीता आया, उनका हम आज जहाँ पर खड़े हैं धरती पे, हमारी अभी जो सामाजिक स्थिति है वो कैसे बनी, क्या क्या प्रकार के आविष्कार हुए, क्या क्या प्रकार के डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या प्रकार के नई खोज हुई जिनके कारण आज हम खड़े हैं, समाज में किस प्रकार की प्रथाएं रही। दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी भूगोल माने इस धरती की स्टडी, धरती किस तरह से बनी, धरती में क्या क्या है, क्या क्या प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, हमारा देश कैसा है, मैप्स कैसे बनते हैं, धरती पे हम अपने आप को कहाँ कहाँ पर पाएं, कहाँ कहाँ पर अपने आप को देखें, किस प्रकार देखें, अलग अलग भूगोलिक स्थिति में यानी अलग अलग क्लाइमेट में, सीजन में, अलग अलग वेदर में लोग कैसे रहते हैं, और अलग अलग जगहों में किस प्रकार के हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, उस सब की जानकारी हमें ज्योग्राफी में मिलती है। सिविक्स, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। नागरिक माने जैसे मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस यहाँ का सिटीजन हूँ, भारत में भारत किस तरह से एक देश के रूप में रचित है, उसका संविधान क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कोई भी किसी भी बॉडी को या किसी भी एक भूमि के खंड को साथ में व्यवस्थित रूप से तालमेल में चलने के लिए, उसके इतने लोग, इतने अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, इतने अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग कैसे साथ में जिए, कैसे तालमेल में जिए, उसके लिए हमको एक संविधान मिला हुआ है जिसमें हमारे लिए कुछ कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी हमारे कुछ अधिकार और हमारे कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने देश के प्रति, उनके बारे में हमको स्पष्टता से क्लास सिक्स सेवेंथ एट्थ में पढ़ाया जाता है। तो इस वर्ष अब हम लोग सोशल स्टडीज के बारे में और गहराई से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी के लिए बस आपका एक इंट्रोडक्टरी होमवर्क होगा सोशल स्टडीज में, हिस्ट्री में यानी इतिहास में। पहले तो हम अपने अपने घरों में अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से, चाचा चाची से पूछें, या अपने बड़े भाई बहनों से पूछें कि उनको जो समझ में आता है इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, हम भूतकाल को कैसे देखें, हमसे पहले वाली पीढ़ियाँ, हमसे हमारे दादा परदादा कैसे रहते थे उसके बारे में उनकी क्या जानकारी है, हमारी फैमिली हिस्ट्री क्या है। तो हमने दो चीज़ें समझनी है, एक हमने अपने माता पिता से, अपने आसपास के लोगों से पता करना है, समझना है कि हमारा फैमिली का हिस्ट्री क्या है, हमारा परिवार का इतिहास क्या है। तो वो हम इतिहास को कैसे समझें, इतिहास क्या है वो उसे कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट वर्क के रूप में होगा, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है, इसके लिए हम अभी वर्कशीट्स नहीं देंगे। आप जब वापस आएंगे स्कूल जुलाई में तो हम इस पर और गहराई से पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट आप तैयार करके बनाकर हमारे बीच आकर शेयर कीजिएगा, इसके बारे में लिखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू सून, धन्यवाद।